हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो होगा बहुत ही हंसी मजाक वाला, क्योंकि हमने उनका एक ऐसा ही वीडियो किया था और मजा आ गया था। तो टाइटल है बउआ ने लिए मजे, क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेशल। तो अब देखते हैं भाई किसके मजे ले रहे हैं। लास्ट टाइम जो हमने किया था उसमें तो पाकिस्तान के मजे लिए गए थे और इतना मजा आया था उससे। पूरा हमने पता नहीं उसी से रिलेटेड इतने सारे वीडियोस कर दिए, क्योंकि हम भी फॉर्म में आ गए थे। तो आप इसमें देखते हैं क्या करते हैं ये। और कमाल की मतलब एक्टिंग होती है इनकी, जिस तरह से बोलते हैं। यहाँ क्या उर्दू बोली थी पिछले वाले वीडियो में, मैं कह रही थी ना कि मुझे लगता है गलत मलत उर्दू बोल रहे होंगे। तो आप सबने बोला था कि नहीं उर्दू तो ठीक है, पर मतलब प्लेसमेंट ऑफ वर्ड शायद ठीक नहीं है। तो मैं भी तो वही बोल रही थी कि उर्दू ठीक नहीं का मतलब ये था कि वो मतलब वर्ड्स को इधर उधर डाल के जो आते हैं वो डाल रहे हैं। तो मजेदार था मगर। तो अब देखते हैं कि इस वीडियो में क्या होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे ऐसे मजेदार वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। एंड वीडियो देखने के बाद अगर मजा आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पाकिस्तान वाला बड़ा आपने सपोर्ट किया और बेखौफ बेसब्री अच्छा गया। मतलब एक और फोन लगाते हैं अफगानिस्तान के साथ जो मुकाबला हिंदुस्तान का मुसलसल। एक और हेलो हेलो, हाँ जी कौन? नमस्ते अंकिल। अंकल वो तेरा बाप साले, कौन बोल रहा है तू? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तो कहाँ से बोल रहा है, क्या बात है बोल? हमारे पूरे खानदान में मुँह से बोलते हैं। अच्छा तो पिछवाड़े से बोलता होगा फिर? कोई गलत नहीं भाई साहब, देखिए 2 सेकंड चाहिए, उससे ज्यादा तो मैं मांगूंगा भी नहीं आपसे। चल चल बोल जल्दी, क्या बोल रहा है? पाकिस्तान फोन लगाया था हमने जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला वर्ल्ड कप में हुआ था भाई साहब। अब तो क्या करना है तुझे? अमूमन बेखौफ ज्यादा जालिम मुसलसल बाकायदा बड़ी हमें क्या बाकायदा बाकायदा कर रहा है, क्यों कर रहा है? नहीं हम ये कह रहे, क्या कहना चाह रहा है? हम कह रहे हैं कि वो मैच अपन जीत गए थे, अब अफगानिस्तान के साथ मुकाबला है हिंदुस्तान का, तो उसकी भी मारेंगे हम। ऐसा नहीं बोलिए, तो अफगानिस्तान को हमको हराना है। हाँ बिल्कुल हराना। तो सबसे जरूरी क्या है, क्या काम जरूरी है सबसे? तो तुझे क्या करना साले, हराना तो हराना है, अपने काम से काम रखना। नहीं अपने काम से काम रखना जरूरी नहीं है। पाकिस्तान को हरा देना तेरे से पूछ के थोड़ी हरा है। नहीं बिना पूछे हराएंगे। मैं बताता हूँ सबसे जरूरी क्या है, अपने काम से काम रखना नहीं। सबसे जरूरी है कि हिंदुस्तान मैच जीते। क्या जरूरी है? हिंदुस्तान मैच जीते ना, जरूरी है हिंदुस्तान टॉस जीते। सुनिए, टॉस जीतेगा अपने हिसाब से बैटिंग लेगा, बैटिंग में अच्छे रन बनाएगा, अफगानिस्तान को हरा देगा। तो सबसे जरूरी क्या है? हिंदुस्तान टॉस जीते। नहीं, हिंदुस्तान टीम अच्छी बनाए। अभी तो बोला टॉस जीते, अभी तो बोल रहा है। सुनिए, जब टीम अच्छी रहेगी तो टॉस जीते ना जीते हम मैच तो जीत जाएंगे। तो सबसे जरूरी क्या है? टीम अच्छी बने। नहीं, अच्छा खेले, टीम अच्छी भी रहेगी। नहीं खेली तो क्या कर लेंगे? तो क्या बोले जा रहा है? कभी कुछ बोल रहा है, कभी टॉस जीते, कभी मैच अच्छा खेले, कभी टीम अच्छी हो। क्या तो नहीं, आप बताइए सबसे अच्छा क्या है? टीम अच्छी बने। नहीं बने, नहीं खेले। तो क्या जरूरी है? सबसे जरूरी क्या है? टीम खेले। खेले नहीं, खेले नहीं, खेले चाहे जैसा भी। दूसरे लोग कमेंट ना करे, टीम टीम है भाई, खेलने गई, आप कमेंट क्यों कर रहे हैं? तो जरूरी ये है कि कोई कमेंट ना करे, वरना उनका हौसला क्या होता है? डाउन होता है। हाँ से हौसला, से हौसला और हौसला। तो सबसे जरूरी काम से काम रखना, समझे? काम से काम रख अपने। सुनिए, हाँ बोलो। खाली आदमी नहीं बोलना, नहीं बोलूंगा, जा नहीं बोल रहा बोल। अच्छा सुन, हाँ बोल। नहीं बोल रहा, जा क्या कर रहा तू? अच्छा एक मिनट, आखिरी सुन सुन, एक आखिरी। अच्छा सॉरी सॉरी, एक आखिरी बोल। नहीं बोल रहा, जा क्या करेगा? अफगानिस्तान के साथ मैच जीतना है। अमूमन बेखौफ ज्यादा बेपना बेमुरवत ज्यादा जीतेगा हिंदुस्तान। और सुनिए, चल नहीं बोल रहा, सुन मेरी बात सुन। अब मैं बोलूंगा तो तू बोलेगा चल भाग। अब सुन सुन तो सही पहले। हाँ बोल। सीख गया यार, मेरे साथ रह रहे के सीख गया। चल रख रहा हूँ मैं। एक आखिरी बार सुन, बोल। चल बोल रख, चल चल। 93.5। तो फ्रेंड्स, हंसा हंसा के पागल कर दिया। वाओ क्या मजेदार 2-3 मिनट थे, मैं तो सोच ही नहीं सकती थी। पर एक बात है, जो अफगानिस्तान वाले थे ना, बाप रे, कितनी मेरे ख्याल से गंदी लैंग्वेज यूज कर रहे होंगे, क्योंकि बीप पे बीप पे बीप आ रही थी और बात करने में भी गुस्सा और टोन थी। उससे तो मैं सोच रही थी, मैं कंपेयर कर रही थी पाकिस्तान वालों से, उन्होंने कितना आराम से और प्यार से बोला था, जबकि उनके साथ काफी उन्होंने बोला था कि कप कुप से रिलेटेड बातें, पर उन्होंने बड़े प्यार से जवाबे दिए थे। एक दो बीप सी सुनने को मिली थी। ये तो पहले से गुस्से से भरे हुए जैसे लड़ने के मूड में बैठे हुए हैं, वो काफी डिफरेंस था। पर भाई गॉड, जैसे इन्होंने बउआ जी ने बातें की है ना, क्या कमाल की थी। उससे बोले कि अच्छा टीम जीतने के लिए ये चाहिए, तो वो बोले कि अच्छा क्या चाहिए, तो वही रिपीट करे, तो कहे नहीं ये नहीं, फिर कुछ और चाहिए क्योंकि उससे बेटर ये चीज होती है। जैसे टॉस जीतना चाहिए, तो क्या क्या जीतने के लिए क्या चाहिए, टॉस जीतना चाहिए, नहीं टॉस नहीं जीतना चाहिए, टीम अच्छी होनी चाहिए। तो फिर पूछा क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा टीम अच्छी होनी चाहिए। तो कहते नहीं टीम अच्छी नहीं होनी चाहिए, टीम अच्छी खेलनी चाहिए। तो कुछ ना कुछ था, अच्छा मजा, बड़ा मजेदार था। और उसके बाद क्या, अच्छा वो कह रहे थे मैं बोलूं क्या था, वो क्या वो डायलॉग था कि बोलने के लिए हाँ बोल, अच्छा तो कहता नहीं मैं नहीं बोलता वो बड़ा मजेदार था। और हर थोड़ी देर बाद होता था वो बेचारे फिर बोल मैं नहीं बोलता, एंड तक ये चलता रहा। और हमें भी लग रहा था कि अच्छा अब कुछ बोलना होगा, हम भी बोलते थे अच्छा बोलेंगे, फिर मैं नहीं बोलता, एंड तक यही चला। बड़ा मजेदार था, हंस के पागल हो गए। जिस तरह से किया है ना, कमाल का था। क्या सोचा था इन्होंने और कैसे डायलॉग्स याद रखे हुए थे कि भाई ये बोल के ऐसे करना है, तो बड़ा मजेदार किया हुआ था। और यहाँ पे भी वो मुसलसल करके अपने फर्ज घुसेड़ दिए, उर्दू के बस घुसेड़ देते, वो घुसेड़े। और बड़े अच्छे वर्ड्स हैं, मतलब ऐसे लगता है जैसे उर्दू के बड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं। तो मजा आया, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा यार। ऐसे और इनको बनाने चाहिए क्योंकि इतना मजा आता है सुनने में। नहीं, काफी अच्छा था और काफी लग रहा था कि अफगानिस्तान के, मुझे ये पता नहीं कि रैंडम लोगों को कॉल करते हैं। अच्छा हाँ, ये हमने पिछली बार भी पूछा था ना, तो कईयों ने तो कहा था कि ये मेरे ख्याल से स्क्रिप्टेड है, पर मुझे नहीं लगता स्क्रिप्टेड होगा, हो भी सकता है वैसे, पर कईयों ने कहा था कि नहीं ऐसी रैंडम किया है, तो हमें फिक्र पता नहीं। मगर ये क्योंकि थोड़ा ये मुझे भी हो सकता लगे अब, जैसे आप कह रहे हैं कि स्क्रिप्टेड है, क्यों क्योंकि अफगानिस्तान के लोग जो है इस तरीके से बात नहीं करते, तो हो सकता है कोई ऐसा मिल गया, सारे ऐसे नहीं होते। अगर आप अफगानिस्तान का कोई भी शो देखते हैं या फिर अफगानिस्तान को कोई भी मीडिया देखते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि उनकी जबान डिफरेंट है। अच्छा। जिस तरीके से ये बोल रहे हैं, वही मेरा क्वेश्चन एक था कि जिस तरीके से फ्लुएंटली बोल रहे हैं हिंदी में या उर्दू में कह लीजिए, ये अफगानिस्तान नहीं हो सकता। अफगानिस्तान की जुबान डिफरेंट है और पठान लोग जो है वैसे करके बोलते हैं ना, उस टाइप से बड़ा अच्छा। अगर कोई भी आप नॉर्मल मीडिया में देखते हैं अफगानिस्तान का, तो आप मेकआउट कर सकते हैं कि अफगानिस्तान। तो ये जो था, या तो पाकिस्तान में इन्होंने कॉल किया था, या अफगानिस्तान का बंदा तो लग नहीं रहा था, और काफी वो लग रहा था बंदा जो बहुत ही तकलीफ में आ चुका है। और उस बंदे ने कट क्यों नहीं किया मुझे पता नहीं, क्योंकि इमीडिएटली बात होती है तो पहले कट करके ऐसा लग रहा था वो बंदा कट करने पा रहा है, तो बोल तो रहे थे ना बार बार कि नहीं अच्छा कट मत करना, मैं सिर्फ 2 सेकंड 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट लूंगा, काटना मत। वो फिर क्यों रिपीट करेगा कि क्या बोल रहे हैं ये, ऐसे ही हम भी तो कर रहे थे। हाँ, तो मतलब जो भी, मतलब ये ऐसा बंदा था, इसको लग रहा था कि कुछ पॉइंट आने वाला है, कोई बात आने वाली है। अगर स्क्रिप्टेड भी था तो भी बड़ा मजेदार था भैया, अगर स्क्रिप्टेड भी हो तो बड़ा अच्छा बना। नहीं, काफी मजेदार था, नो डाउट, हंसी बहुत जबरदस्त है। मगर ये कैच नहीं हो पाया कि अफगानिस्तान में इतने फ्लुएंट लोग कैसे हो सकते हैं जो इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, उसका डाउटफुल है। मगर जो भी था, इट वॉज वेरी गुड, बहुत ही मजेदार था, मजा आ गया, हंस के पागल हो गए हैं। इसके बाद फिर से एक बारी और देखेंगे हम वीडियो के बाद, ठीक है ना, और आप हमारे को फिर से देख लेना। तो फ्रेंड्स, होप करते हैं आपने भी खूब हंसा होगा और आज का आपका हंसी का कोटा जो है वो पूरा हो गया होगा। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।